सर हमने आपका चैनल देखा यूट्यूब में, तो उसमें आपके कैरोप्रैक्टिक के बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप कैरोप्रैक्टिक से स्पाइन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा आप कुछ वीडियो से पंचकर्मा की भी बात करते हैं, तो कुछ थोड़ा सा क्लियर करेंगे कौन सी टेक्निक ज़्यादा हेल्पफुल होती है और कौन सी बेहतर है? बिल्कुल मयूर जी, देखिए ऐसा होता है कि जो कायरोप्रैक्टिस है वो इंस्टेंट पेन रिलीव करने में मदद करती है, या जो बोन के डिसअलाइनमेंट होते हैं उसको रिकवर करने में मदद करती है, लेकिन जहाँ पे डिस्क जो कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी है वो डिस्टर्ब जब होती है, तो उस डिस्क को ठीक करने के लिए हम लोगों को पंचकर्मा का ही सहारा लेना पड़ता है। जबकि यहाँ पे दूसरे लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है अपना कोई फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट से उसे इंट्रैक्शन दे दिया, हम लोग पंचकर्मा का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट और दूसरी विधाओं से ज़्यादा हमने देखा है कि इस विधा में ज़्यादा ठीक हो रहा है। हमारे साथ ही और भी लोग हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमने उनकी विधाओं में भी, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मरीज ठीक होते हैं, हमने उनके विधाओं में भी मरीज किए, अपने विधा में भी किए, एलोपैथ में भी किए, लेकिन हमने जब पाया तो उसमें देखा कि जब हम पंचकर्मा करने के बाद कायरोप्रैक्टिस करते हैं तो उसके रिजल्ट केवल कायरोप्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे होते हैं। कायरोप्रैक्टिस में केवल आराम मिलता है, और यदि हम पंचकर्मा के साथ में जब कायरोप्रैक्टिस करते हैं तो ये सालों की स्थिति में पेशेंट को लंबे समय तक आराम देता है, और वहीं पर यदि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो जाती हैं तो सोने पर सुहागे जैसा काम करती हैं, मतलब कि पेशेंट लगभग एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जीना पसंद करता है, झुक सकता है, सारा वजन उठा सकता है, सारे काम करने लगता है धीरे धीरे।